मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड वन लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेकेंड, व्हाट इज डेमोक्रेसी, एंड टुडे वी स्टार्ट आवर क्लास विद द सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन. आवर सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द अथॉरिटियन गवर्नमेंट, कि जो सत्तावादी सरकार है उसके बारे में बताइए. In an authoritarian government, all the power lies in the hands of a single person or a single group of people. कि सत्तावादी सरकार के अंदर क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को पावर मिल जाना. ठीक है, कई बार कहते हैं ना कि इस चीज की अथॉरिटी किसके पास है, मतलब इस चीज का जो डिसीजन लेने का अधिकार होता है वो किसके पास है. तो इस सरकार के अंदर भी, सत्तावादी सरकार के अंदर भी क्या था कि जो पावर थी वो एक व्यक्ति या एक समूह के रूप में होती है, समूह के अंदर होती है. देयर इज नो डिविजन ऑफ पावर इन सच ए गवर्नमेंट. और यहाँ पावर का मतलब कि कोई डिविजन नहीं है. जैसे इंडिया के अंदर 3 divisions में बटा हुआ है ना, कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. तो इसके अंदर, अथॉरिटियन गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई डिवीजन नहीं है. द गवर्नमेंट इंजॉयज मैक्सिमम पावर एंड डिनाइंग द बेसिक राइट्स लाइक फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ द मासेस. कि जो सरकार है वो इसके जो पावर्स हैं उनका मैक्सिमम इंजॉय करती है. मतलब सभी जो पावर्स हैं उनका इंजॉय कौन करती है? सरकार करती है. और जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं, जैसे कि आज़ादी, लिबर्टी, मतलब कि फ्रीडम एंड लिबर्टी, जो लोगों की आज़ादी का जो अधिकार है उसको भी वो डिनाई कर देती है, उसको भी वो नकार देती है. इट कैन बी स्टडीड अंडर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप. और इसको हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो सर्वसत्तावादी सरकार और एक जो सैन्य जो डिक्टेटरशिप है उसके अंडर में हम इसको पढ़ सकते हैं. किसको? अथॉरिटियन गवर्नमेंट को. इसके 2 parts हैं, अथॉरिटियन गवर्नमेंट के ये 2 parts हैं. आवर थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॉर्मल इक्विलिटी, कि जो साधारण समानता है उसको एक्सप्लेन कीजिए. फॉर्मल इक्विलिटी, पीपल आर कंसीडर्ड इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, कलर, एज, रिलीजन एटसेट्रा. कि जो लोग हैं उनको समानता का अधिकार दिया गया है, कास्ट, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, उम्र या धर्म के आधार पे. पॉलिटिकल इक्वलिटी, एज ईच पर्सन हैज 1 vote एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल. और राजनीतिक तरीके से क्या समानता मिली हुई है लोगों को? यहाँ पे पता है क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि जो साधारण समानताएं हैं, जो सभी के लिए एक जैसी हैं, जो सभी भारतीयों को समान रूप से मिली हुई है, उनके बारे में हमें बताना है. तो पॉलिटिकल तरीके से क्या है कि एक वोटिंग का जो हमें अधिकार है कि एक वोट, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और उस एक वोट का जो मूल्य है वो सभी की वोट का मूल्य बराबर है. एंश्योर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फॉर ऑल. और इक्वलिटी किस किस तरीके से हो रहा है? इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक जो विकास है सभी का हो, उस तरीके को भी एंश्योर करती है. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इट इज द एक्सिस्टेंस ऑफ ए सिंगल पार्टी विच फॉर्म्स द गवर्नमेंट. कि क्या है कि ये एक एक्सिस्टेंस है, कि ये एक सिंगल पार्टी होती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि जो सरकार है, जो देश के अंदर सरकार है, वो सिर्फ एक ही पार्टी होती है. मतलब उसके अंदर अलग कोई दूसरी पार्टी उसके विपक्ष के रूप में नहीं होती, एक ही पार्टी होती है वहाँ पे, जो चुनाव लड़ती है और जीतती भी है और वही सरकार बनाती है. इट रूल्स एवरी टाइम. वो प्रत्येक रूल भी बना, मतलब कि वो ही हमेशा शासन करती है. कम्युनिज्म प्रोपोंड्स ए क्लास लेस सोसाइटी. और कम्युनिस्ट प्रोपोंड्स क्या करती है? एक जो क्लास लेस, मतलब कि वर्ग विहीन
और प्रोपोंड्स का मतलब होता है प्रचार, तो जो कम्युनिज्म है वो प्रचार करती है वर्ग विहीन सोसाइटी का, समुदाय का। इट इज द गवर्नमेंट विच ओन्स ऑल द रिसोर्सेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, और ये वो सरकार है जिसके सभी संसाधन खुद के होते हैं और ये सभी उत्पाद भी खुद के ही कंट्री के बनाती है। एट प्रेजेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा एंड लाओस, और आज के समय में जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट सरकार है, वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ कहाँ पे है, चाइना में, क्यूबा में और लाओस में। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एकमेंडेशन ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। एकमेंडेशन का मतलब होता है समायोजन, कि आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषाई और धार्मिक विभिन्नताओं के समायोजन के बारे से क्या समझते हैं। ठीक है, कि भारत के अंदर इतनी सारी विविधताएं हैं, इतने सारे विविध विविध धर्म हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारी भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, फिर भी एकता कैसे बनी हुई है, इस समायोजन को आप कैसे समझते हैं। इन ऑर्डर टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल द गवर्नमेंट दस एंश्योर दैट द माइनॉरिटीज एंड देयर ओपिनियन विल बी एकमेंडेटेड। कि सरकार क्या है, कि सरकार इन ऑर्डर टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ ऑल पीपल, कि सभी लोगों का सपोर्ट पाने के लिए सरकार क्या करती है, जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो नीचे की जातियां होती हैं या जो दूसरी एंटी पार्टी के लोग होते हैं, सभी के ओपिनियन से समायोजित करके चलती है, सभी के ओपिनियंस को सुन के चलती है, एंश्योर करती है उन लोगों को कि आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उनको भी हम समझेंगे और सुनेंगे। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ कि इन ऑर्डर टू इन्जॉय द सपोर्ट ऑफ ऑल द पीपल, कि सभी लोगों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए सरकार एंश्योर करती है जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, जिनकी संख्या भारत के अंदर कम है, या जो एंटी पार्टी के लोग होते हैं, सभी को उनके ओपिनियन, वो कहती है कि हम आपके सभी के जो ओपिनियंस हैं उनको समायोजित करके चलेंगे। ऑल सिटीजन्स आर अलाउड टू फॉलो ए रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस, तो वो तो था पॉलिटिकल एकमेंडेशन। अब है ये रिलीजन अकोमोडेशन, कि सभी लोगों को भारत के अंदर अधिकार है कि अपनी चॉइस से किसी भी धर्म को अपनाने का। थर्ड है इक्वल डेवलपमेंट फॉर पीपल हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड, कि इक्वल डेवलपमेंट, सभी लोगों का सामाजिक और आर्थिक बराबर विकास हो जो पिछड़े हुए हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, और सभी नागरिक जो हैं भारत के, वो कानून की नज़रों में बराबर हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज फोर क्वेश्चंस वेरी वेल, एंड टुमारो वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।